सर, आपका जब नाम जुड़ता है तो चाहे कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, अब चाहे साइकिल हो, लोग ये समझते हैं कि मैं सलमान की चीज खरीदने जा रहा हूँ, वो पहनने जा रहा हूँ। वो हमें एहसास है, तो हमें एहसास है। इस बात का कितना ख्याल रखते हैं आप जब किसी चीज को लॉन्च करते हैं? बहुत ज्यादा। तो ये साइकिल्स मैंने करीबन 1-1.5 साल चलाई हैं, तो मुझे पता है कि मैं बचपन से साइकिल चलाता आया हूँ, तो आई नो दैट दे आर रियली स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल। इनको कुदवाई भी हैं, गिराई भी हैं, तो एट एन एवरेज बिना कोई तकलीफ दिए ये चलती हैं करीबन 30-35 किलोमीटर। तो 2 चार्ज के ऊपर मैं यहाँ से फिल्म सिटी की गया हूँ और वापस भी आया हूँ, तो इट्स वेरी एफिशिएंट। सलमान सर, हाय, आई एम करिश्मा। सो बेसिकली व्हाट दिस थिंग इज के एक ट्रांजिशन होता है कि सडनली बच्चा बड़ा होता है एंड माँ बाप से मोटरसाइकिल मांगता है, विच इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग देयर इज एवर, बिकॉज साइकिल से डायरेक्टली मोटरसाइकिल, हाई पावर्ड मोटरसाइकिल्स एंड स्पीड, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज डेथ्स उसी के अंदर होती हैं। तो दिस इज़ वन ट्रांजिशन फेज। फिर ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, तो छोटी मोटी यहाँ से खार जाना है, जू जाना है, टाउन जाना है, तो ये साइकिल उतना डिस्टेंस तो कर ही लेगी यहाँ से वर्सोवा तक वापस, सो यू एक बार ले लिया फिर ना इसका पेट्रोल का चक्कर ना कोई चक्कर है। सो ऑल यू गॉट टू डू के जहाँ पैडल मारना आपने पैडल मार लिया, जहाँ पर आपको इनसे मोटरसाइकिल की तरह चलाना आपने चला लिया। तो एक पीपल हु रिडन मोटरसाइकिल्स, अब थोड़ी सी आंखें कमज़ोर हो गई हैं एज की वजह से, पैर कमज़ोर हो गए हैं, तो मोटरसाइकिल का वेट ना नहीं लिया जाता और वो स्पीड से डर लगने लगता है। घर वाले भी they worry about your father going on a scooter or motorcycle, so for them this is like the best mode of transport. Phir school jaate hain bacche, lambi distances that, phir resorts ke andar aur factories ke andar, large universities ke andar, I think this is one of the best things that one can do. Ke pedal bhi maar liya aur phir jahan thak gaye aapne accelerator de diya aur chalte gaye aap.